हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद विनी। और आज की वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 61st क्वेश्चन है आपका। 61st क्वेश्चन, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन अ क्लासरूम इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। जब क्लासरूम में लगातार बच्चे बात कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन बना हुआ है, तो ये किसका इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है बोर्डम कॉज्ड बाय रेपिटेटिवनेस। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाना या एक ही तरह का व्यवहार करना, इससे क्लास में बोर्डम क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे बात करते हैं और इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। ओके, तो टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नए टाइप की एक्टिविटीज़, कुछ न्यू करके बच्चों को पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करें। अगला क्वेश्चन देखिए, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मैथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कॉपरेशन बिटवीन दैम। अगर क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, तो आप उनको कौन सा मेथड अपनाओगे उनके बीच में कॉपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए? तो सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। उनको ऐसे टास्क दिए जाएंगे, ऐसे ग्रुप वर्क दिए जाएंगे जिसमें कि वो एक साथ मिलके कॉपरेट कर सकें, तो उससे उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा। यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर डेवलप हो जाए? तो वो मस्ट नहीं होती है, तो वो है कंट्रोल ओवर इमोशंस। इमोशंस पर कंट्रोल करना इस ट्रेनिंग में डेवलप हो, वो ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास। क्लास में टेक्स्ट बुक का क्या रोल होता है, क्या यूज़ होता है? टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो आपका उद्देश्य है पढ़ाई के लिए, उसको अचीव करना ही टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है। विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हिज एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने में इनमें से कौन से सब्जेक्ट का रोल होता है एनवायरनमेंट चेंजिंग में? ज्योग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी। टीचर की ट्रेनिंग नेसेसरी क्यों होती है, ज़रूरी क्यों होती है? पहला देखिए, इंक्रीज टीचिंग स्किल्स। यस, टीचिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। यस, स्कूल के जो मेथड्स हैं उनको समझने के लिए। एंड अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, जो भी कंटेंट है उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उसको न्यूली डेवलप करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ डैश इम्प्रूव्स अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। इनमें से कौन सी स्टडी स्टूडेंट्स की जो एक्सपेरिमेंट की एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है, और एनालाइज करने की जो एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है, वो है साइंस। स्टडी ऑफ साइंस इम्प्रूव्स अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स अ स्टूडेंट्स टू डैश व्हाट इज़ बीइंग टॉट। तो अगर स्टूडेंट्स बच्चा मदर टंग में सीखता है, कुछ पढ़ाई करता है, तो उससे उसको क्या हेल्प मिलती है? ईजिली कॉम्प्रहेंड, वो ईजिली चीज़ों को समझ पाता है। अब अगर उसकी मदर टंग में उसको पढ़ाया जाता है, तो ईजिली चीज़ों को कैच कर लेता है, क्योंकि वो लैंग्वेज उसको समझ में आती है।
ईजिली उससे कम्युनिकेशन करना ईजी हो जाता है. ओके, अगला क्वेश्चन देखिए. विच साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न. इनमें से कौन से एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जो ये विश्वास करते थे कि हर स्टूडेंट में एक पोटेंशियल होता है, एक एबिलिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की, समझने की, सीखने की. तो वो थे फ्रेडरिच फ्रोबेल. ए इज़ द ऑप्शन. अ कंसल्टेंट और अ टीम कंडक्ट्स द इवेल्युएशन प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर वे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड दैट. एक कंसल्टेंट या टीम अगर इवेल्युएशन प्रोसेस कंडक्ट करती है एक पर्टिकुलर वे में, तो फिर इनमें से वो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा उसको डिसाइड करता है. तो वो डिसाइड करता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टी ओ आर. तो ये क्या होता है, ये प्रोजेक्ट टी ओ आर ऑफ अ प्रोजेक्ट आर रेफर्ड एज द प्रोजेक्ट चार्टर. ये एक प्रोजेक्ट चार्टर की तरह काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन अ पर्टिकुलर क्लास. हाउ विल यू मोटिवेट दिस स्टूडेंट टू स्टडी सिंसियरली इन द सेम क्लास. आपकी इस क्लास में एक स्टूडेंट है जो फेल हो चुका है, तो आप उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे. उसी क्लास में वो पढ़ रहा है, तो उसको किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे. बाय साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. उसको साइकोलॉजिकली समझाएंगे, उसको साइकोलॉजिकली मजबूत करेंगे. अगला क्वेश्चन देखिए. एज अ प्रिंसिपल हाउ वुड यू बिहेव विद बिलो एवरेज स्टूडेंट्स. एक प्रिंसिपल होने के नाते आप एक स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स जो एवरेज से भी नीचे है, उसको उससे किस तरह का बिहेव करेंगे. जेनरसली आप उससे एक जेनरस बिहेव करेंगे, जैसे कि आप बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स से करते हैं. अ टीचर शुड बी डैश टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स. एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के प्रति कैसा होना चाहिए. टॉलरेंट. अगर वो कुछ गलती भी करता है तो उसको समझाना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकली इम्प्रूव करना चाहिए. तो टीचर को टॉलरेंट होना चाहिए, उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए. NLM stands for. तो NLM का मीनिंग क्या है, सॉरी फुल फॉर्म क्या है. नेशनल लिटरेसी मिशन. तो देखिए इसका टारगेट क्या है नेशनल लिटरेसी मिशन का, कि 15 से लेके 35 एज ग्रुप के जो एडल्ट्स हैं उनको शिक्षित करना. ओके, 75th क्वेश्चन देखिए. इट्स योर फर्स्ट डे इन अ क्लास, व्हाट वुड यू डू. अगर आपका क्लास में, एज अ टीचर आपका क्लास में फर्स्ट डे है, तो आप फर्स्ट डे क्या करेंगे. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द स्टूडेंट्स. आप स्टूडेंट्स को आप खुद से इंट्रोड्यूस कराएंगे. ओके, अपना इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स को देंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल. इनमें से कौन सा एक अच्छे टाइम टेबल का सिद्धांत नहीं है. रूथलेस मास्टर. प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड एट. जो लैंग्वेज की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कहाँ पर सीखी जाती है. लैंग्वेज लेबोरेटरी में. ओके, लैंग्वेज लेबोरेटरी. गुड टेस्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल नेचर बियर द फॉलोइंग फीचर्स. जो गुड टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल नेचर के, तो उनके फीचर्स क्या होते हैं. रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता. ओके, सिबलिंग्स पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डैश फॉर द चिल्ड्रन. जो सिबलिंग्स, जो भाई बहन होते हैं, हम पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, वो बच्चों के लिए किस चीज़ का इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं.
मोटिवेशन का इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज़ द मेन कॉम्पोनेंट, इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का मेन कंपोनेंट इनमें से कौन सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज़ द मेन कंपोनेंट, इनमें इन इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में से मेन कंपोनेंट कौन सा है। बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, तो ये थी हमारी आज का हमारा फोर्थ पार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और कोई मिस्टेक है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।